हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मेनू रेसिपीज एंड ब्लॉग्स में आपका सबका दिल से वेलकम है। तो गाइस, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो न्यू फ्रेंड्स लोग हैं ना, प्लीज जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ। और इस चैनल पे आपको ना बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज और बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली न्यू अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएं और आप उससे जुड़े रहें। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो गाइस, जो मैं रेसिपीज दिखाती हूँ ना, आपको किस तरह की लगती हैं, कैसी लगती हैं, आप अपने विचार, अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने अनुभव शेयर कीजिएगा। तो चलो देख लिया जाए आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और फटाफट सिर्फ 5 मिनट में ये तैयार हो सकती है। और इसको मैं बनाऊंगी ना, तो इसको अवन में बना के दिखाने वाली हूँ। और चलो देख लिया जाए इसकी रेसिपी ज़रा। तो बनाएंगे हम गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगता है और इसको मिनी पिज़्ज़ा भी बोल सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए ज़रा इसकी रेसिपी, मैंने किस तरह से बनाया है। यहाँ पर हमने ले लिया है सेज़वान सॉस और मेयोनीज लिया है हमने, सिंपल मेयोनीज है, कोई फ्लेवर नहीं है इसमें। तो 3 स्पून में ले लूँगी इसमें सेज़वान सॉस। इस पिज़्ज़ा को बच्चे भी बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है इसको बनाना। सेज़वान सॉस की वीडियो भी मैंने बनाई है, इसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर नहीं बना सकते तो मार्केट से ले आइएगा, इजीली मिल जाता है ये। और इसमें 2 स्पून डालूंगी मेयोनीज। दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये सॉस हमारी तैयार है एकदम। यहाँ पर हमने ले लिए हैं ब्रेड और ये गोल साइज में हमने लिए हैं ब्रेड। तो ये ब्रेड इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगी। और यहाँ पर ले लिए हमने स्वीट कॉर्न, तो थोड़ा थोड़ा स्वीट कॉर्न डालेंगे इसके ऊपर। अच्छा, आप इधर ना वेजेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, आप चाहें तो इसमें कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने इसमें डाला नहीं है, मैं ऐसे ही बनाऊंगी। अब इसके ऊपर डाल देंगे चीज़, तो चीज़ को ग्रेट कर लेंगे इसके ऊपर। फिर से ऊपर से और थोड़े कॉर्न डाल दूंगी, बहुत ही कम चीज़ों से बन जाता है ये ब्रेड पिज़्ज़ा, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। और ये पिज़्ज़ा हब्स लिया है हमने, तो इसके ऊपर डाल देंगे। अवन में बनाएंगे तो अवन को गरम किया है हमने और इसमें ये देखो हमने जो है ना अच्छे से बेक कर लिए अपने पिज़्ज़ा और बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही देखा ना कम समय में बन गए। और प्लीज़ वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा गाइस, और मेरी न्यू अपडेट्स के साथ जुड़े रहिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।